मेरी पार्टी में वो दोनों अगर काम ना होते हुए नहीं आते तो फिर हम वही फाइट करते जो अंदर करते थे, वो प्यार वाली फाइट। कुछ नहीं हुआ है, दोनों ब्रदर है, दोनों भाई है, और छोटी छोटी चीज़ों का गुस्सा आया हुआ है, बस वही हुआ है गुस्सा, वो एक दूसरे को नहीं बोल रहे। आपको एक तो पता होता है कि आपके मूवीज़ आएंगे, आपके सीरियल आएंगे, आपके म्यूजिक एल्बम आएंगे, पर एक बैकअप तो चाहिए होता है आपके सर्वाइव करने के लिए। गुड़ी पाड़वा में हमेशा हम एक नई शुरुआत करते और नए सपनों की शुरुआत करें, नई चीज़ों की शुरुआत करें। गुड़ी पाड़वा में वैसे तो हर दिन शुरुआत होती है, बट गुड़ी पाड़वा एक शुभ दिवस होता है, और इस दिन में हम कोई भी अच्छी चीज़ स्टार्ट करना हो तो इस दिन का इंतज़ार होता है, और मैंने आज वो जो चीज़ डिसाइड की थी एक कुणाल भाई जो पार्टनर है हमारे उनके साथ, तो दोनों मिलके कि उनको फूड डिपार्टमेंट या फिर फूड जो फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और ऐसे दोनों मिलके एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे, होपफुली ये बहुत दूर तक जाए, और एक नया ब्रांड, मतलब एज अ एक्टर अगर मुझे काम करना है तो एक बैकअप भी चाहिए होता है, पर एक ऐसी चीज़ मैं बना रहा हूँ शायद वो बहुत ही ईजीली कोई भी वहाँ पर जाके टेस्ट कर सकता है, और पूरे दिन में हमें उसकी ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए। तो एक ठाकरे चाय एंड स्नैक्स का स्टार्ट किया है गणपति बाप्पा का नाम लेके, होपफुली आप सब लोग मेरे साथ रहो, और जैसे बाकी चीज़ों में मैं ऑनेस्टी रहता हूँ तो ये चीज़ में भी ऑनेस्टी रहेगी, पैसों से ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी फूड पे, चाय पे, की जो चीज़ें लोगों को पसंद है, पैसे सबसे बाद में होगी ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। नहीं नहीं, ये सबका अपना अपना एक कुछ डिसाइड हुआ है, सब सही सही वक्त पे अपनी अपनी चीज़ें कर रहे, और मुझे लगता है जैसे मैंने बोला ना कि बिग बॉस 16 ने बहुत कुछ दिया है लोगों को, हर कोई अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा अच्छा कर रहा है, तो सब ने कुछ ना कुछ प्लानिंग कर चुके हैं और सिर्फ सही वक्त पे सही चीज़ें आगे आके बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि सबको ही मिलना चाहिए, होपफुली सभी अपने अपने फील्ड में बहुत बेस्ट काम करें, बहुत चीज़ें बड़ी बड़ी फिल्में करें, बड़े बड़े म्यूज़िक एल्बम करें और बड़े बड़े ब्रांड ओपन करें, सभी के लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए दुआ करूँगा। मेरी पार्टी में वो दोनों अगर काम ना होते हुए नहीं आते तो फिर हम वही फाइट करते जो अंदर करते थे, वो प्यार वाली फ़ाइट, बट दोनों बिजी थे, एमसी का शो था और निमृत का शूट था कुछ, और उसके बाद भी वो लोग मेरे कांटेक्ट में थे, बट ऐसे नहीं होता कि पार्टी में नहीं आया तो कुछ दोस्ती टूट गई या फिर उन्होंने एटीट्यूड दिखाया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी जैसे सब लोग फ्री हो जाएंगे तो हम टेरिस पे मिलने वाले, फिर से मंडली वही ग्रुप होगा, शायद कैमरा पे नहीं दिखेगा, शायद हम अपलोड नहीं करेंगे, पर हर चीज़ अपलोड या सोशल मीडिया के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें जो बॉन्ड नेचुरल था वो अभी भी चल रहा है और लास्ट तक चलेगा, बट कुछ कुछ चीज़ें कैमरा पे हम अपलोड नहीं करते, कभी लगता है ज़रूरत नहीं होती है, और कभी कभी लगता है एंजॉय भी करना चाहिए बिना कैमरा का, तो वो करते हैं। कुछ नहीं हुआ है, दोनों ब्रदर है, दोनों भाई है, और छोटी छोटी चीज़ों का गुस्सा आया हुआ है, बस वही हुआ है गुस्सा, वो एक दूसरे को नहीं बोल रहे अभी, शायद मुझे बहुत छोटी चीज़ है और मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं है, शायद जब भी वो फ़ोन पे बात करेंगे तो वो लव यू करके ख़त्म करेंगे, 2 मिनट की चीज़ होगी वो, बट मुझे लगता है ये छोटी सी चीज़ है और हर फैमिली हर दोस्ती में ये होते रहता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि अरे यार दोस्ती टूट गई, ऐसा कुछ नहीं है, रूठना मनाना है, अभी वो रूठा हुआ है और एमसी उसको मना लेगा, नहीं तो मैं हुई मनाने के लिए तो मना लेंगे हम, उसमें क्या बड़ी चीज़ है यार। ठाकरे चाय में जैसे ओपन होगा वहाँ पे हर स्टोर पे एक ना एक बार या फिर जब भी उन्हें वक्त मिलता है स्टोर पे सब लोग विजिट करके चाय पियेंगे, पीना पड़ेगा उनको। आपको एक तो पता होता है कि आपके मूवीज़ आएंगे, आपके सीरियल आएंगे, आपके म्यूजिक एल्बम आएंगे, पर एक बैकअप तो चाहिए होता है आपके सर्वाइव करने के लिए, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपका जो रोज का रहना खाना पीना मुंबई में ये नहीं चलता है, तो एक स्मार्ट वर्क है कि आप एक बिज़नेस या ऐसा कुछ बैकअप रखें कि आप काम पे फोकस करें और ये चीज़ें हमारी जो डेली यूज़ की चीज़ें या जो खर्चा होता है वो निकल जाए। मुझे लगता है ये हर एक्टर करता है, और मैंने थोड़ा जल्दी शुरुआत कर दी कि मुझे आगे जाके मुंबई में बहुत सारी चीज़ें करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, तो ये पैसे बीच में ना आए, और मुझे लगता है ऐसी चीज़ें सब ने करनी चाहिए, जहाँ जब 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 चांस मिलता है तब तब वो छोड़ना नहीं चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ। फैमिली खुश है, बट फैमिली को पूरी तरह मैंने बताया नहीं, जब स्टोर ओपन हो जाएंगे तब शायद मैं बताऊँगा पूरी तरह, अभी ये जब दिखेगा तब मुझे सवाल उठेंगे कि अरे ये क्या, तो मैंने बताया कि एक नई चीज़ शुरू कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ है, पर पूरी तरह होगी तब आई को पूरी चीज़ बताऊंगा बैठा के, और पर हैप्पी है सब चीज़ें जो भी हो रही है चीज़ें उसके लिए हैप्पी है, आई बाबा ताई सब। फैंस को बोलूँगा कि यार नया ईयर है,
और सब अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है। आप भी अपनी मेहनत करके नए नए सपने देखो, सपने पूरे होते हैं, और मेरे साथ खड़े रहो, आपकी ज़रूरत है। लव यू, गणपति बप्पा मोरया।